नमस्कार दोस्तों लालू यादव की एक फटकार से एक फटकार से नीतीश कुमार लाइन से लग गए तेजस्वी यादव को बच्चा बच्चा बोलने लग गए और पूरी मीडिया पर एकदम गर्म हो गए वही नीतीश कुमार जो जल्दी किसी मुद्दे पर खुलकर बोलते तक नहीं है हमारे साथ सहयोगी सुजीत है आपसे समझेंगे ये जो बदले बदले नीतीश दिखे आपको मीडिया में पत्रकारों के सामने कैसा लगा आपको पहले ये बताइए कि लालू यादव का वो पुराना अंदाज नीतीश कुमार कहीं सकपका पका तो नहीं गए देखिए नीतीश कुमार बदले बदले नहीं डरे डरे लगे हैं मुझे और ये डर के पीछे सिर्फ लालू यादव है ये महागठबंधन की जो धर्म निभाना होता है गठबंधन धर्म उ, वो बड़ा कारण है और इसका पर्दे के पीछे का कहानी मैं बता देता हूँ देखिए नीतीश कुमार जैसे महामहिम राष्ट्रपति आए उनके साथ जो भी कार्यक्रम हुआ तीन जगहों पर कार्यक्रम हुआ तीनों जगह पर वो कांग्रेस को सुनाए हैं खरी कोटी इनडायरेक्टली तरीके से कि दो में ये काम होना चाहिए दो में होना चाहिए था और वो भाजपा के दोस्ती की बात बोले भाई आप मुख्यमंत्री हैं आप इंडिया एयरलाइंस के न्यू रख रहे हैं आप तो के साथ खड़े हैं और आप इस तरह की बात बोलेंगे तो लालू यादव चुप रहेंगे लालू यादव फोन किए होंगे बुलाए होंगे तो इसका सामने तस्वीर नहीं आई है कि लालू यादव फोन किए होंगे क्या नीतीश बाबू इतनी दोस्ती तो चले जाइए विलम्ब क्या करना हम तो पहले भी विपक्ष में थे आज भी विपक्ष में होंगे और विपक्ष में रहेंगे तो हो सके ज्यादा सीट भी आ जाएगा क्योंकि हम तो पल्टी नहीं मारते हैं पल्टी मारने वाले तो आप ही है कहीं ऐसा तो नहीं लालू यादव ने फोन पर बोला होगा की नीतीश बाबू आपकी जाइएगा तो पार्टी भी आपकी अब खत्म हो जाएगी चले जाएगी इस तरह के बात तो लालू यादव बोल नहीं पाएंगे ना सीधे तौर पर है। पर उस तरह की बातें का एहसास तो करवा चुके हैं लालू लहजे लहजे से लहजे से भी करवा चुके हैं ललन सिंह के बयानबाजी से भी करवा चुके हैं और आप देखिए नीतीश कुमार जो आज बयान दिए हैं नीतीश कुमार बयान देने के बाद वो कई लोगों से अपने मंत्रियों से बयान दीवाए ललन सिंह से बयान दीवाए कि बोलिए कि व्यक्तिगत संबंध के तहत बोला गया पर आप अर्पिता आप जर्नलिस्ट हैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये व्यक्तिगत संबंध जैसा बयानबाजी था बिल्कुल नहीं इनकी जो दोस्ती जो इनका हाव भाव रहा था नीतीश कुमार का बीजेपी वालों के लिए साफ लग रहा था कि दिल में इनके बहुत कुछ है नीतीश कुमार के बस बाहर निकालने की बेताबी है जो अभी निकल कर सामने आ रही है और राजद को ये बात पसंद नहीं आई तेजस्वी यादव को जैसे ये हर जगह आगे आगे करते आज बच्चा बच्चा तो ये चाचा भतीजा वाला जो प्रेम दिखा रहे थे अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी गर्म हुए होंगे बिल्कुल हुए होंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है मुख्यमंत्री बनने का समय अब कितना बचा हुआ है दो तो अब खत्म होने वाले अक्टूबर मार्च और नवंबर दिसंबर अब बचे और 2024 2025 में चुनाव होगा नवंबर में मतलब मुश्किल से मतलब 12 दो साल डेढ़ साल के मान के चलिए अब इस डेढ़ दो साल में अगर कुछ राजनीतिक उठापटक न हो तो तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेगी अच्छा है? एक और सवाल मेरे मन में था कि जो कुछ नीतीश कुमार बार-बार बोल रहे थे मीडिया के सामने आके बीजेपी की तरफ दोस्ती वाला जो हाथ नीतीश कुमार का बढ़ रहा था बिहार की पब्लिक भी तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही होगी राजद के कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे कि देखिए पहले तो ये नीतीश बाबू इतना बोलते थे बीजेपी वालों को अब फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं मतलब नेता कंफ्यूज हो अलग बात है कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं देखिए इनके कार्यकर्ता ही कन्फ्यूज होते हैं सिर्फ जदयू के कार्यकर्ता क्योंकि पलटी मारते रहते हैं बातें कैसे रखना देखिए साहब तो बात बहुत अच्छे से रख लेते हैं हाँ। बस साहब के नीचे के लोगों को बात रखना बड़ा मुश्किल होता है जो चौक चौराहे पर बात रखते हैं जो घर के अंदर में बात रखते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है तो नीतीश कुमार इस चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते हैं पर कैडर बेस्ट पार्टी होती है समझते हैं राजद के नेता या भाजपा के नेता इधर उधर जो उनके जो कार्यकर्ता है उस चीज़ को समझते हैं वो कन्फ्यूज नहीं होते हैं दूसरी बात कि जिस तरह से अगर नीतीश कुमार अभी पलटी मारेंगे तो सीधे तौर पर राजद को फायदा होगा भाजपा इस चीज को जानती है अच्छा भाजपा ले ले नीतीश कुमार को ये अभी गुंजाइश राजनीतिक तौर पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर एक्सेप्ट कर ले हम मुझे तो दूर दूर तलक नहीं लग रहा क्योंकि जिस तरह से अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर बोले हैं कि भाई उनकी एंट्री नो एंट्री है और उसके बाद ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं कि हम आप पुराना दोस्ती है और जिंदगी भर की दोस्ती रहेगी उस उससे भी पिघलने वाला भाजपा नहीं है क्योंकि भाजपा को 2024 में कोई रिक्स नहीं लेना है और भाजपा को यहाँ बोलने के लिए क्या रहेगा आप 2015 की 2005 की पहले की कितनी बातें को आप दोहराएंगे लोग तो अब तो दो में जो जन्म लिया या दो 2000 में जो जन्म लिया वो दो साल का हो जाएगा अच्छा, बीजेपी अगर नीतीश को गलती से भी 2000 में जो जन्म लिया है या 2005 में जो जन्म लिया वो सब तो अब तेईस साल बाईस साल के हो गए वो तो जंगल राज देखा नहीं है अब बोलेंगे तो लोग नीतीश कुमार के बारे में ना अब नीतीश कुमार को विपक्ष में खड़ा रखने के कारण भाजपा खड़ा रखेगी क्योंकि भाजपा को फायदा होने वाला है दो तक भाजपा रिक्स नहीं लेगी मतलब मई और जून तक नीतीश कुमार की एंट्री भाजपा में बंद है ये नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं और इसका फायदा लालू यादव उठा रहे हैं अच्छा। लालू यादव पर्दे के पीछे की कहानी है लालू यादव इसी के लिए बोले कि ज्यादा आप कीजिएगा तो हम गठबंधन तोड़ देंगे आप कहाँ जाइएगा मध्यवादी मध्यावधि चुनाव हो जाएगी यहाँ पर मतलब आप ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर गलती से लालू यादव ने अपना हाथ नीतीश के साथ से खींच लिया तो नीतीश कुमार एकदम तो बिहार में अकेले पड़ जाएंगे उनको राह उनको कोई मिलेगा नहीं खोजने पर भी अरे उनके पास स्टार प्रचारक कोई नहीं मिलेगा नीतीश कुमार के बाद कौन है उनका स्टार प्रचारक ये बता दीजिए राजद में तो तेजस्वी यादव लालू यादव और दो तीन बड़े बड़े नेता हैं उनके अब्दुल बारी सिद्दी भी एक स्टार प्रचारक के तौर पर आते हैं तो उनका तीन चार लोग हैं इनके पास क्या है बताइए तो नीतीश कुमार के अलावा कौन स्टार प्रचारक है तो नीतीश कुमार को तो प्रचार करने वाला लोग नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार इस चीज को समझ रहे हैं आज हाँ जिस तरह से लालू यादव उनको फटकार लगाए हैं अंदर में कि भाई इस तरह की बातें मत बोलिए और बोलना है तो उधर जाइए और उधर से जो रास्ता बंद है तो नीतीश कुमार समझ गए नीतीश कुमार आए हैं गुस्से से लवरेज हुए हैं मीडिया वाले को सुनाए हैं कि आप इस तरह की बातें नहीं छापे क्यों नहीं छापेगा भाई क्यों नहीं बोलेगा भाई आप बोलेंगे आप मुख्यमंत्री आप बात खुले बातें से दो हाथ बढ़ाइएगा बात हो रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आप विकास की बात की करते आप बोलते हैं कि और इसके इस तरह की यूनिवर्सिटी खुल जाए सरकार से आप मांगे कर लेते आप जब जिसके विपक्ष में हैं तो उसके पक्ष की बातें कैसे करेंगे आप हुँ, कि तो साहब इसने बना दिया साहब उसने बना दिया बार बार बीजेपी वालों नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं हाँ, मनमोहन सरकार ने बनाया है मनमोहन सरकार ने नहीं बनाया 2003 में एम्स की स्थापना की बात हम सोचे थे अब एम्स जाके मोदी सरकार में बना इस तरह की बातें आप बोलेंगे तो क्या जग जाहिर करना चाहते हैं तो लालू यादव तो छोटे मोटी नेता है नहीं ना इतने बड़े पार्टी चला रहे हैं देश के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और एक बहुत बड़े रणित कार माने जाते हैं किंग मेकर माने जाते हैं किंग तो पहले थे ये अब किंग मेकर माने जाते हैं लालू यादव लालू लालू यादव यादव से आप ये आपको पूरा बर्बाद कर देंगे पार्टी के जिस तरह से लालू यादव भी खेल रहे हैं ना ललन सिंह को लेकर ललन सिंह नहीं कई लोग लालू यादव के संपर्क में है वो लालू यादव पूरी तरह से बर्बाद देंगे और ये चीज को नीतीश कुमार समझते हैं नीतीश कुमार चाह के भी राजद के एक कार्यकर्ता को वापस नहीं एक और बात हमको जितना समझ आ रही है कि जो दोबारा से राजद ने नीतीश कुमार को अपने साथ लिया राजद को मालूम था कि अब नीतीश बीजेपी के पास जाएंगे तो बीजेपी इनको एंट्री नहीं देगी मतलब ये संभावना थी देखिए नीतीश कुमार चौथी बार पलटी मारे जब वो राजद के साथ आए तो राजद को यह संभावना थी कि अब गलती से भी नीतीश कुमार पलटने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे कहीं के नहीं रहेंगे और वो अब लालू यादव जो बोलते थे जो सोचते थे वो साफ दिख रहा है राजद पूरी तरह से तैयारी के साथ नीतीश कुमार के साथ आया वो पूरी तैयारी की है कि अगर ये पलटी मारेंगे तो मुझे क्या करना है और वो जान रही कि अगर ये पलटी अभी मारे वो राजद अभी दोनों हाथ में उसका रसगुल्ला है नीतीश कुमार साथ में भी है तो रसगुल्ला है नीतीश कुमार साथ चले गए तो बड़का रसगुल्ला है उनके पास मतलब राजभोग है उनके पास एक हाथ में गुलाब जामुन है एक हाथ में राजभोग है उनके पास तो इस तरह कहते हैं कि राजद के राजद को किसी तरह से नुकसान है ही नहीं नीतीश कुमार जाए तो जाए नुकसान होना सिर्फ नीतीश कुमार को अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे तो भाजपा को नुकसान हो अगर भाजपा नीतीश कुमार को नहीं लेती है तो भाजपा और राजद में लड़ाई होगा जदयू कहीं नहीं रहेगा जीरो हम डंके के चोट पर बोल रहे हैं जितना भी पॉलिटिकल पंडित हैं ये सर्वे और कर लें आंकड़े जुटा लें जितनी भी व्यवस्थाएं उनको लगानी है लगा लें यही तस्वीर सामने आएगी अगर नीतीश कुमार अलग जाएंगे तो और भाजपा दो तक नीतीश कुमार को कभी भी साथ नहीं लेगी क्योंकि वो रिक्स नहीं लेना है पूरी कहानी आपको हम बता चुके बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं लेना चाहती है दो हजार चौबीस तक भाजपा क्योंकि भाजपा के पास विपक्ष की बोलने के लिए क्या मुद्दा रहेगा क्या मुद्दा रहेगा तो ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि राजद जब दूसरी बार नीतीश कुमार को साथ लेकर आई तो उसने ये मन में क्लियर कर लिया था कि आओ नीतीश अब की बात पलटोगे भी तो पलटने के बाद कहीं जाने के लिए आपको दरवाजा मिलेगा ही नहीं कोई दरवाजा खुलेगा ही नहीं और दूसरी बात राजद इस तैयारी में भी थी कि जितना भी समय मिलेगा इस दौरान नीतीश कुमार धोखा देने की सोचे भी तो उनके पास कोई आधार ही ना बचे यानी कि उनकी पार्टी उस लायक ही ना बचे कि नीतीश कुमार यहाँ से वहां जाने के बारे में सोच भी पाए बीजेपी भी स्वच्छ में कितनी अडिग है राजद इस बात को बखूबी समझती है कि बीजेपी इतनी आसानी से अब नहीं लेगी तो अब बिल्कुल जैसा कि सहयोगी हमारे कह रहे हैं कि दोनों हाथ में राजद के लड्डू है अब नीतीश कुमार इधर जाए या उधर डोले लड्डू तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ही खाएंगे खैर आज की इस खास चर्चा में इतना ही आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार की ये बदली राजनीति में आपको कितना मजा आ रहा है खुलकर लिखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार